हाँ जी, यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। बिफोर वी स्टार्ट द डिफरेंट टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द स्पोर्ट्स इंजरी। एज यू नो बेटा, एवरी डे मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ all ages in the world participating in different sports activities okay so when we are participating in any sports activities or in training program, there is hardly any game, any play or training session कि आपका कोई भी प्लेयर वहां पे इंजर्ड ना हो। ओके, तो वेन एवर एनी इंजरी इज सफर टू एनी स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग द गेम्स और ट्रेनिंग सेशन वाइल यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इज नोन एज ए स्पोर्ट्स इंजरी। सिंपल, ठीक है। वेन एवर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी ट्रेनिंग सेशन, इन एनी गेम और कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वेन एनी प्लेयर गेट हर्ट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरीज। दैट पर्सन वाइल डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज इंजर्ड। तो दिस इज रिगार्डिंग योर ऑल स्पोर्ट्स इंजरीज। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरीज को बेटा हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन जर्नल बेटा आपको इंजरीज का सबसे पहले इंपैक्ट क्या होता है, एक डायरेक्ट इंपैक्ट हो गया। वेन एवर एनी एक्सटर्नल ब्लो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अगर आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं जहां पे आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंजरी। एनी एक्सटर्नल ब्लो वाइल यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है, वो होती है किसी भी इक्विपमेंट से होगी है, ओपोनेंट से होगी है, कोई भी एक्सटर्नल। देन नेक्स्ट आपका होता है इनडायरेक्ट इंजरी। इनडायरेक्ट मीन्स विद इन योर सेल्फ, वेन एवर योर मसल इज पुल्ड, ठीक है, तो स्प्रेन जिसको हम बोलते हैं, मसल पुल हो गया, इनडायरेक्ट इंजरीज। देन योर ओवर यूज इंजरीज, ठीक है, इसमें ओवर यूज का मतलब क्या होता है, वेन यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज इन एक्सेसिव मैनर्स, ठीक है, कोई आप किसी भी चीज को हम बोलते हैं ना, ग्रेजुअली वी हैव टू इंक्रीज आवर लोड। वेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, तो आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, ठीक है। स्लोली स्लोली हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, फिर उसको जैसे जैसे वो आपका एथलीट है लोड को बियर करता है, देन वी इंप्रूव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो वेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एक्सेसिव यूज नहीं करना है आपने किसी भी एक्टिविटी का, ठीक है, और प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना होता है व्हाइल यू आर डूइंग एनी ट्रेनिंग। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हाइल वी आर डूइंग एनी ट्रेनिंग, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वी शुड बी डू अंडर द क्वालिफाइड कोचेस, ठीक है। हमको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है या आपने कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग करनी है, मैचेस खेलने हैं, तो ऑलवेज वी प्रेफर यू शुड बी under the proper guidance of qualified coaches, qualified sports staff, ठीक है। जितना आप अच्छे qualified लोगों के under training करोगे, आपको उतना benefit मिलेगा आपकी sports में, आपकी performance में, ठीक है। तो further इसको हम divide करते हैं soft tissue injuries, जो इसके different types हैं, hard tissue injuries, soft tissue injuries। जो आपका एक टिश्यूज
बोन इंजरीज है इसमें फर्दर, देन देर इज अ डिसलोकेशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द दिस टिश्यू इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. इसमें बेटा डिफरेंट कैटेगरीज आपकी आती हैं, जैसे आपका कॉन्ट्यूजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द कॉन्ट्यूजन. कॉन्ट्यूजन मीन्स व्हेनेवर एनी सुपरफिशियल इंजरीज, ठीक है. इट इज द क्रशिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज बाय ए वायलेंट एक्सटर्नल फोर्स विदाउट द ब्रेकिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्किन. मीन्स कि आप को जो भी सुपरफेशियल स्किन, ठीक है, कोई डायरेक्ट हिट और आपको कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जहां पे आपका ज्यादा बॉडी कांटेक्ट होता है, वहां पे ये इंजरीज मोस्टली होती है, ठीक है. जिसको हम बोलते हैं कि आपके नील पड़ गया जी सपोज, ठीक है, ए डायरेक्ट हिट और ब्लो ऑफ एनी, कहीं भी आपकी बॉडी पे अगर आपको वो हिट करता है, रेप्चर करता है स्मॉल कैपिलरीज को, ठीक है, स्किन के जो नीचे होती है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द स्किन, जो आपकी स्किन को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इंटरनल पार्ट पे उसका इंपैक्ट पड़ता है, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, ठीक है. सम टाइम वहां पे क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं कि नील पड़ गया है, नीला हो गया है, दैट टाइप ऑफ इंजरीज मोस्टली ना वेयर देर इज ए बॉडी कॉन्टेक्ट गेम्स मोस्टली, ठीक है. अगर आप कोई भी बॉडी कॉन्टेक्ट गेम खेलते हो, करते हो, तो वहां पे इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. डायरेक्ट जो एक्सटर्नल ब्लो आपकी स्किन पे पड़ता है, ठीक है. अब इसके मेन क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, और आपने क्या प्रिवेंशन लेनी है, फर्स्ट एड क्या लेनी है आपने. तो मोस्टली क्या आता है, व्हाट हैपन बेटा, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, तो कॉजेस के लिए तो आपको क्या होगा, आपकी अगर आपने प्रॉपर इक्विपमेंट यूज नहीं किया है, ठीक है, वो आपको करने चाहिए. उससे अगर आपने प्रॉपर वार्मिंग आपका बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन और इमीडिएट आपने क्या करना होगा, व्हेनेवर देयर इज एनी कॉन्ट्यूजन. सिंपल है, कॉन्ट्यूजन मीन्स कि आपकी बॉडी पे जो एक्सटर्नल ब्लो हिट करता है, सुपरफिशियल इंजरी, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू बाय वायलेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अब आपने क्या करना है, इमीडिएटली जब भी आपको बेटा कहीं पे भी स्किन में, आपको लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि व्हेन एवर देयर इज एनी इंजरीज रिगार्डिंग मसल्स, ठीक है, स्प्रेन हो गया आपको, ये कॉन्ट्यूजन हो गया, जहां पे आपकी स्किन पे कट नहीं लगा होता है, इमीडिएटली यू हैव टू अप्लाई द आइस, आइस पैक. यू हैव सीन इन द गेम ऑफ बॉक्सिंग वेयर देयर इज अ मोस्टली बॉडी कॉन्टेक्ट, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा फेस पे वो पंच करते हैं और इमीडिएटली जो उनको आइस पैक लगाते हैं, दैट इज अ बिलो योर आइज, अदरवाइज व्हाट हैपन, वो स्वेलिंग हो जाएगी, उसको दिखना बंद हो जाता है मोस्टली फेस पे, आईब्रो के पास, ठीक है, उनके ईच एंड एवरी टाइम वो बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है, वहां पे आपको चांसेस ऑफ दिस कॉन्ट्यूजन इज 100% ओवर देयर. तो उस वो आपको उसी टाइम आइस बैग रखना होता है और आइसिंग करते हैं. जब भी कोई भी किसी को भी ये ऐसी सी चोट लगती है तो ऑलवेज यूज आइस. और आइस को लगाने का क्या तरीका है बेटा, उसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसको आप किसी क्लोथ में रखो, ठीक है, उसको थोड़ी देर लगाओ, देन थोड़ी देर रेस्ट करो. दिस प्रोसेस यू कैन डू कंटिन्यूटी, आप इसको कंटिन्यूटी में लगा सकते हो और आप देखोगे कि अगर आप प्रॉपर वहां पे आइसिंग करते हो तो कभी भी वो जगह आपकी स्वेल नहीं होगी, वहां पे स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है. देन इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है बेटा
एब्रेशन, ठीक है, एब्रेशन मीन्स स्क्रैब और रब और फ्रिक्शन, जिसको आप इन सिंपल वे में, सिंपल वर्ड में हम बोल रहे हैं कि जब कोई भी स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो जो वो रगड़ सी लग जाती हैं, दैट इज कॉमन इन गेम्स। जब भी आप कोई गेम खेलते हो उसमें जब आप स्लाइड करते हो, देन क्या होता है, तो आपका फ्रिक्शन, जब आप स्लाइड करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी रब, ठीक है, तो उसको स्किन स्क्रैब और रब बाय द फ्रिक्शन। और ये जो इस टाइप की जो इंजरीज होती हैं, दैट इज नॉट अ सीरियस इंजरीज, आपका जो ऊपर वाली स्किन होती है उस पर रगड़ लग जाती है, ठीक है, और इतना सीरियस नहीं होती है एज कंपेयर टू अदर इंजरीज। तो व्हाट वी हैव टू डू, इसके कॉजेज क्या होते हैं, स्लाइडिंग इसका मेन कॉजेज होता है, आप गिर गए हो, आप स्लाइड कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिवेंशन में आपने क्या करना होता है इस इंजरीज में, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो वेन एवर देर इज एनी कट, एनी फ्रिक्शन, ठीक है, एनी टाइप ऑफ, अगर आपको ब्लड निकल रहा है तो आपको उसको पहले क्लीन करना है, ठीक है, फिर यू हैव टू यूज एंटीसेप्टिक क्रीम, देन उसको अच्छी तरह से कॉटन से कोई एंटीसेप्टिक क्रीम आपने लगा देनी है, एंड टेटनेस इंजेक्शन इज अ कंपल्सरी, ठीक है, उसके बाद यू कैन गिव देम एनी पेन किलर, अगर उसको पेन ज्यादा होती है तो दैट पर्सन कैन यूज एनी पेन किलर। तो दिस इज रिगार्डिंग एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स सिंपल है कि व्हेन यू आर प्लेइंग, आपने देखा होगा किस गेम में ज्यादा होती हैं, जब आपने कहीं पर स्लाइड करनी है, आप गिर जाते हो या किसी से कोई धक्का पुश टाइप लग जाता है, आपने क्रिकेट में देखा होगा फील्डर्स दे आर स्लाइडिंग ऑन द ग्रास, इतनी ग्रासी ग्राउंड होता है फिर भी उनको हल्के सा वहां पे सम टाइम क्या होती है, रगड़ लग जाती है, फ्रिक्शन। आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, कोई आपको पुश कर गया, हॉकी खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, तो वो वहां पे इस टाइप ऑफ इंजरीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन आपका नेक्स्ट कॉन्ट्यूजन के बाद हो गया आपका एब्रेशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, स्प्रेन स्ट्रेन मोस्टली बेटा इस दोनों इंजरीज में आपको बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। इसमें आपको ये याद होना चाहिए जो स्प्रेन है दिस इज लिगामेंट इंजरी, स्ट्रेन आपका मसल इंजरी। जो मेन इसमें डिफरेंस है दैट इज स्प्रेन इज अ स्ट्रेच ऑफ टीयर्स ऑफ अ लिगामेंट्स। स्प्रेन जब आप को वर्ड आएगा इसमें डिफरेंस आएगा तो मोस्टली इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों में, तो ऑलवेज व्हेन एवर देर इज अ स्प्रेन एंड स्ट्रेन यू जस्ट रिमेंबर स्प्रेन इज अ लिगामेंट इंजरीज, ठीक है, और जो स्ट्रेन है दैट इज मसल इंजरीज। अब स्प्रेन में क्या है, व्हेन एवर वी ओवर स्ट्रेच, ठीक है, आप जब बहुत ज्यादा आपका जॉइंट्स में स्ट्रेच होता है तो देन टीयरिंग ऑफ योर लिगामेंट्स आर देयर एंड इट इज वेरी वेरी पेनफुल। जो आपका स्प्रेन होता है, स्प्रेन इंजरीज में बहुत ज्यादा पेन होती है बिकॉज ऑफ योर लिगामेंट टीयरिंग, और वो जो आपका जॉइंट्स होता है वो अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा सम टाइम इफ देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस भी होती हैं इसकी, ठीक है, स्टेज वन है, टू है, आपको थोड़ा
माइल्ड है, ठीक है, मॉडरेट है, अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है देन लिगामेंट को वो चेंज कर देते हैं. यू हैव सीन दैट इन स्पोर्ट्स मेडिसिन व्हेन देयर इज अ फुली डैमेज ऑफ द लिगामेंट देन दे हैव टू चेंज. अदरवाइज इसमें आप लिगामेटिक इंजरीज ऐसी है बेटा, इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड टू हील अप. व्हेनेवर देयर इज एनी लिगामेंट इंजरीज तो वो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वी हैव सीन इन द केस ऑफ फ्रैक्चर. अगर किसी को वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स डूइंग एनी एक्टिविटीज ऑफ स्पोर्ट्स अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो आप एज यू नो कि फ्रैक्चर आपका वन मंथ आफ्टर वो हील अप हो जाता है. बट इन द केस ऑफ दिस स्प्रेन लिगामेंट इंजरीज इट विल टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, उसको हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. उसके बाद अगर आप प्रिकॉशन नहीं रखोगे देन अगेन यू विल बी क्या होगा आपको वो पार्ट वो पोर्शन अगर आपका लिगामेंट अच्छी तरह ठीक नहीं हुआ है तो वो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम करेगा. इन केस ऑफ इफ देर इज अ सीवियर लिगामेंट इंजरीज देन दे रिप्लेस दैट पर्टिकुलर लिगामेंट. ठीक है, लिगामेंट अदरवाइज उसको टाइम लगता है चेंज नहीं करना है आपने तो यू हैव टू गो थ्रू विद द ऑल द प्रिकॉशंस जो आपको डॉक्टर्स बताएगा आपको वो सारी चीजें करनी होती है डिफरेंट एक्सरसाइज. देन वी हैव टू गो फॉर अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. यू हैव सीन मेनी प्लेयर्स दे आर सफरिंग विद एनी सीवियर लिगामेंट इंजरीज दे हैव टू टेक रेस्ट फॉर अ ईयर. ठीक है, तो मोस्टली ये कहाँ पे होता है हमारे नीज में रिस्ट में एंकल शोल्डर. ठीक है, जो भी आपकी बोन्स है वहां ज्वाइन करती है लिगामेंट्स क्या है मेन इसका फंक्शन क्या है इट विल ज्वाइन बोन टू बोन. इसकी इसके कॉजेज भी क्या होते हैं डिफरेंट कॉजेज क्या हो गए. सपोज इफ यू आर प्लेइंग इन अ अनइवन सरफेस. ठीक है, अगर आप कोई अनइवन सरफेस में आप खेल रहे हो तो वहां पे आपका पैर क्या होगा कोई पैर मुड़ गया है नीज पे एंकल पे स्ट्रेस पड़ गया है. समटाइम पीवियट हम करते हैं जब घूमते हैं एक लेग पे. ठीक है, ओवर एक्सटेंशन कर देते हैं बॉडी को उससे भी ये हमारा हो जाता है. अब ये जो इन इन बोथ कैटेगरीज ठीक है कॉन्ट्यूजन है आपका स्प्रेन है स्ट्रेन है इसमें क्या यूज होता है आपका विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव टू गिव. आपने ये वर्ड सुना होगा रेस्ट आइस कॉम्प्रेशन एलिवेशन. ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने पहले यहां पे लिख दिया है प्रीकॉशंस यहां पे लिख दिया है रिहैबिलिटेशन. दिस इज अ वर्ड प्राइस प्रिवेंशन पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए प्रिकॉशंस. यू हैव बी केयरफुल रिगार्डिंग द एक्टिविटीज. आपको पता होना चाहिए आप ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हो. ठीक है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए. अगर आप किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले अगर आपको उसके प्रिंसिपल्स रूल्स का पता होगा प्रिकॉशन अगर आप प्रॉपर ले रहे हो आपने प्रिकॉशन अगर अच्छी तरह लिए हुए हैं देन चांसेस ऑफ इंजरीज आर वेरी लेस. उसके बाद आपका क्या है रेस्ट. सपोज इफ देयर इज एनी इंजरी किसी को भी कोई इंजरीज हो जाती है इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप द एक्टिविटीज. यू शुड नॉट गो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना है आपने इमीडिएटली यू हैव टू टेक द रेस्ट. देन आइसिंग. आइस का आपको मैंने बताया है अगर कोई कट नहीं होता है जहां पे कोई ब्लड नहीं निकल रहा है वहां पे इमीडिएटली यू हैव टू अप्लाई द आइस. आइस को किसी क्लोथ में लेना है आइस पैक आजकल आते हैं. ठीक है, आपका कोल्ड एंड हॉट थेरेपी आपको आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है वो जेल है उसको आप हॉट कर लो कोल्ड कर लो. देन आइस के बाद कॉम्प्रेशन एलिवेशन एंड रिहैबिलिटेशन.
ये आपके स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राइसर। ठीक है, कॉम्प्रेशन मीन्स कि आपने उस पार्ट को कॉम्पैक्ट कर देना है, जैसे आप बैंडेज होती है उसको बांध देना है क्रेप बैंडेज। ठीक है, उसके बाद आपने एलिवेशन, उस पार्ट को यू हैव टू रेज अबव। सपोज आपके लेग पे अगर प्रॉब्लम कोई है, इंजरीज हो गई हैं, तो यू हैव टू रेज लिटिल बिट हायर सो दैट वहां पे उस पोर्शन पे और आपका ब्लड सर्कुलेशन ना हो। ठीक है, जितना कम ब्लड सर्कुलेशन होगा उतने ब्लड वेसल्स वगैरह आपके ज्यादा डैमेज नहीं होंगे। देन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है बेटा, आफ्टर एनी स्पोर्ट्स इंजरी देयर इज अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। मींस आफ्टर इन एनी इंजरी वी हैव टू रिकवर दैट पर्सन एंड वी हैव टू कम दैट पर्सन टू देयर ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, जैसा वो इंजरी से पहले था उसी जगह पे हमने उसको लेके आना है आफ्टर रिकवरी। तो दैट इज अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ये वर्ड आपको मीन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसर। अब इसी में आपका नेक्स्ट जो स्ट्रेन है, ये मसल इंजरी आपकी होगी है। सेम जब हम क्या करते हैं, किसी मसल्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, नेचुरली वो मसल्स में प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी। ओवर स्ट्रेचिंग, एक्सेस यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल्स, पर्टिकुलर एक्टिविटीज हम कर रहे हैं बार बार उसी मसल्स की कर रहे हैं, तो नो डाउट उस मसल्स को भी रेस्ट चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो उससे आपको ये स्ट्रेन, दैट इज अ मसल इंजरीज, वो आपको मसल इंजरीज हो सकती है, उससे एथलीट जो होगा उसको बहुत पेन होगी वहां पे। ठीक है, वो उस पार्ट को इतना मूव नहीं कर पाएगा एंड लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, जो आपका जिस मसल्स में आपके मसल क्रैम, मसल पुल। ठीक है, आपने देखा होगा कि हाँ जी वो मसल्स क्रैम्प हो गया, मसल्स पुल हो गए। सम टाइम यू हैव अ सीन स्प्रिंटर, दे आर वार्मिंग अप एंड स्टार्टिंग देयर रेस, मसल क्रैम्प पड़ गया है किसी के। ठीक है, तो वो दैट विल बी पेनफुल फॉर दैट पर्टिकुलर एथलीट। वो अपनी एक्टिविटी, वो उस पार्ट को फंक्शनिंग नहीं कर सकता प्रॉपर। इसके जो मेन कॉजेज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्प्रेन है, अनइवन ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, आपका प्रिकॉशन आपने नहीं लिए हैं, बट इन द केस ऑफ दिस स्प्रेन द मेन रीजन, द मेन कॉजेज ऑफ दिस इंजरीज इज इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। ठीक है, जब आप प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करोगे तो एकदम आप अपने मसल्स को लोड दोगे, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ इंजरीज। ठीक है, क्योंकि मसल आपका रेडी नहीं है, मसल्स को आपने टोनिंग अप नहीं किया है, दैट पर्टिकुलर मसल इज नॉट रेडी फॉर एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, ऑलवेज देयर इज अ चांसेस ऑफ स्ट्रेन। और आप कूलिंग डाउन नहीं करते हो, आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो ट्रेनिंग का, देन इफ यू हैव ए पुअर डाइट। ठीक है, मसल्स अगर आपके वीक हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ इंजरीज मोस्टली आपने कई बार देखा होगा, सम टाइम पीपल दे कांट स्टैंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दे हैव नो स्ट्रेंथ टू स्टैंड स्ट्रेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटीज। ठीक है, खड़े खड़े हम थक जाते हैं, तो वो आपके मसल्स में कहीं स्ट्रेंथनिंग की कमी होती है, देन एंड दैट इज ड्यू टू योर डाइट आल्सो। ठीक है, तो इसके लिए आपका डाइट का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आप लॉन्गर एक्टिविटीज को अच्छी तरह से कर सकते हो। इसमें बेटा फर्दर हमारे पास टू टाइप्स की और इंजरीज है, दैट इज लेसरेशन इंसिजन। ठीक है, ये दोनों इंजरीज ऐसी हैं जिसमें कट, एक में थोड़ा माइनर कट होता है, दूसरे में डीप कट होता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो।